हेलो एवरीवन, मेरा नाम टी मै सिंह है। सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, पार्ट टाइम पे ये बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर रहा हूँ, ओके लाइफ कंपनी। ओके, तो दोस्तों आज का जो प्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं वो एक बहुत बढ़िया लीडर है, उनका नाम है अमनप्रीत सिंह जी, जिन्होंने इस पूरे इंडिया में हाहाकार मचा दिया, एक तहलका मचा दिया उन्होंने ओके लाइफ से लेके। तो ज्यादा समय ना लेते मैं उनको इन्वाइट करता हूँ, हेल्प यू वेलकम मिस्टर अमनप्रीत सिंह जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम अमनप्रीत सिंह, जैसे कि आप सब लोग जानते हो हैदराबाद का रहने वाला हूं। अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम इसको बिल्ड कर रहा हूं। मैं आप सब लोगों को एक ही बात बोलूंगा, आप इसको अगर पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, जो भी करो, लेकिन करो आप सीरियस करोगे तो ही रिजल्ट निकलेगा। तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ, ओके लाइफ केयर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा। अपॉर्चुनिटी का नाम है सीईओ, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है हम सब लोग कंज्यूमर है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेके कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान दो कि अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जिस दुकानदार से मैं रेगुलर सामान खरीदता था 20 साल पहले, वो दुकानदार आज कैसा हो चुका है। पहले उसके पास छोटी गाड़ी थी, छोटा घर था, छोटी दुकान थी, आज सब कुछ बड़ा बड़ा हो गया। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ कंज्यूमर। तो तुम्हारे से पैसा लेके अगर वो दुकानदार ऊपर उठ सकता है तो अपना पैसा अपने ऊपर क्यों नहीं लगा सकते। तो इस अपॉर्चुनिटी का नाम वही है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। कंज्यूमर ग्राहक होता है, एम्पावरमेंट मतलब अपनी पावर को एम्पावर कर लो, अपना पैसा अपने ऊपर लगा लो, ये सिंपल अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी में सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है, हमें कोई भी बिजनेस कारोबार शुरू करना है तो सामने वाला एक ही चीज पूछता है, मेरे को बेनिफिट क्या है। करेक्ट है, बेनिफिट होता है हमारे को, सबसे पहले यहां पर होता है बेनिफिट, हमारे को हेल्थ मिलती है। क्योंकि इंसान के पास जितना मर्जी पैसा हो, अगर उसके पास हेल्थ नहीं है तो किस काम का पैसा। तो यहां पर हमारे को सबसे पहले हेल्थ मिलती है, फिर हमारे को मिलती है वेल्थ। वेल्थ को हम मनी से रिलेट नहीं कर सकते, मनी तो वो चीज है जो आज की डेट में जनरेट कर रहे, तो हम जितना पैसे के पीछे भाग रहे हमारे को पैसा और भगा रहा। करेक्ट है, जैसे मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ कि आज की डेट में जो भी इंसान है वो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहा कि चॉइस की लाइफ जी रहा, तो आपको एक ही आंसर हर जगह से मिलेगा, हर कोई कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहा। करेक्ट है ना? तो अगर हमने चॉइस की लाइफ जीनी है तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पे सूट करती है। कंपनी हमारे को सबसे पहले हेल्थ देती है, फिर कंपनी हमारे को वेल्थ देती है। जब ये दो चीजें आ जाती है, ऑटोमेटिक हमारी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस। हमारे को जिंदगी में जीने के लिए सिर्फ ये दो चीजें चाहिए, हेल्थ और वेल्थ। ये कंप्लीट पैकेज हमारे को यहां से मिलता है हैप्पीनेस। अब मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, अपॉर्चुनिटी होती क्या है। हम सब लोग कंज्यूमर है, करेक्ट है ना? Yes. कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेके कंज्यूम कर रहे हैं। कब से कंज्यूम कर रहे? जब से हम पैदा नहीं हुए तब से हम कंज्यूम कर रहे। हम सब लोग कंज्यूमर है, हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट यूज होता है, जो भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं वो बनता कहां पे है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। करेक्ट है ना? लेकिन मैं आपको एक चीज पूछता हूं, हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट यूज होता है क्या हम वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से खरीदते हैं? नहीं खरीदते। कंज्यूमर क्या करता है? रिटेलर से लेता है। करेक्ट है ना? Yes. रिटेलर भी नहीं बनाता, रिटेलर लेता है होलसेलर से, होलसेलर लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लेता है कैरिंग फॉरवर्ड एजेंट से, फिर जाती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब मैं आपको एक और चीज इसके अंदर बताता हूँ, जो हमारी इनकम, जो हम पैसा कमा रहे थे आज तक हमारी कमाई कहां कहां पे जा रही थी। ये लोग जितने भी बीच के लोग हैं ये कोई फ्री में काम नहीं करते, सबको कमीशन चाहिए होती है। इसके अंदर मेजर रोल होता है एडवर्टाइजमेंट का, बराबर है ना? Yes. एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? हम लोग तो नहीं करते। एडवर्टाइजमेंट करते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटीज के पास कोई पैसों की कमी नहीं है, फिर भी पार्ट टाइम काम करते हैं। करेक्ट है? Yes. एक चीज याद रखना, जो भी सेलिब्रिटी एडवर्टाइज करता है कभी भी वो प्रोडक्ट यूज नहीं करता। आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन किस चीज की एडवर्टाइज करता? नवरत्न तेल की। क्या अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल यूज करते होंगे? नहीं करते। सचिन तेंदुलकर एडवर्टाइजमेंट करते हैं बूस्ट सिकड़ो माई एनर्जी। क्या सचिन तेंदुलकर बूस्ट खाते होंगे? नहीं खाते। जूही चावला एडवर्टाइज करती है लंबे बालों का तेल के लिए, उसका खुद का पति गंजा है। ऐश्वर्या राय एडवर्टाइजमेंट करती है लक्स इंटरनेशनल की, सुंदरता का रहस्य। करेक्ट है भी, अगर तेरी सुंदरता का रहस्य लक्स रहता तो सबसे ज्यादा तो अफ्रीकन कंट्री में बिकता। करेक्ट है?
हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रिटी को देख के घर में प्रोडक्ट लाते हैं। वो जो सेलिब्रिटी एडवर्टाइज कर रहे हैं करोड़ों रुपए लेते हैं, हजारों लाखों नहीं लेते, करोड़ों रुपए लेते हैं। वो करोड़ों रुपए किसकी जेब से जा रहा? डायरेक्ट कंज्यूमर की जेब से जा रहा। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल ले देता हूं। मार्केट का सिनेरियो क्या होता है, एक प्रोडक्ट जो हम 100 रुपए का खरीदते हैं वो फैक्ट्री से निकलता 30 रुपए का, एक प्रोडक्ट जो हम 100 रुपीज का खरीदते हैं वो 30 रुपए का फैक्ट्री से निकलता। तो हमारी मेहनत का 70% पैसा ये बीच के लोगों में डिवाइड हो रहा था आज तक। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिंपल फंडा इस अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या है कि ये पूरे लोग बीच के हट जाते, आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे फैक्ट्री के साथ। समझिए मेरी बात। अब ये हमारे को क्यों करना है ये मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि हमारे को अपने आप को समय के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है। अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं करा हम बहुत पीछे रह जाएंगे। करेक्ट है। मैं आपको इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूं। उदाहरण तो अपने पास बहुत सारे हैं। नोकिया कंपनी थी, कितनी बड़ी कंपनी थी नोकिया, कहां गई नोकिया, ये जानना हमारे को बहुत जरूरी रहता। मैं आपको बोलता हूं, नोकिया कंपनी के पास जो टेक्नोलॉजी थी विंडोज की थी, मार्केट में टेक्नोलॉजी आ चुकी थी एंड्रॉइड की, उसने एक्सेप्ट नहीं करी, उसने जमाने के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करा, जो सैमसंग वाला ले लिया। करेक्ट है। तो सैमसंग वाला आगे बढ़ गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं जैसे जैसे जो जो ट्रेंड चल रहा फटाफट उसको कैप्चर करना, इंस्टेंट आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाओगे। मैं आपको रिसेंट इसका करंट एग्जांपल देता हूं। लॉकडाउन है, मार्च से लॉकडाउन चल रहा। करेक्ट है। सबके बिजनेस ढीले पड़ गए, लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को अपडेट किया, अपने आप को अपडेट का मतलब होता है जिन लोगों ने भी सैनिटाइजर पीपीई किट ऑक्सीमीटर्स उस टाइम शुरू कर दिया था, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, क्योंकि जमाना उस टाइम का पीरियड स्टार्ट हो चुका था हेल्थ के ऊपर कोरोना के टाइम पे। तो मैं आपको एक ही बात बताऊं, जिस टाइम जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है समय के हिसाब से फटाफट उसको ग्रैब कर लेना, ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ जाओगे। मैं आपको इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूं। कंज्यूमर क्या करता था, पहले किराना दुकान से सामान लेता था। आस्ता आस्ता किराना दुकानें बंद होनी शुरू हो गई, जमाना चेंज होना शुरू हो गया, सब लोग मॉल्स में कन्वर्ट हो गए। किसी ने सिखाया नहीं, अपने आप मॉल्स में कन्वर्ट हो गए। मॉल्स में कम लोग जाने शुरू कर दिए ऑनलाइन परचेजिंग। आजकल तो बच्चे बच्चे ऑनलाइन में शॉपिंग करना शुरू कर दे रहे, कोई सिखाया तो नहीं ना, अपने आप ट्रेंड चेंज हो रहा। Yes. तो हमें भी अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। Yes. लेकिन अभी जो दौर आ चुका है, अभी दौर आ गया है डायरेक्ट सेलिंग का। ये डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है डायरेक्ट कंज्यूमर टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को आज ग्रैब कर लिया, सिर्फ ये गेम है एक साल से लेकर तीन साल की, एक साल से लेकर तीन साल की अपॉर्चुनिटी है। अगर हमने इसको पैशनेटली सीरियसली अगर हमने इसको बिल्ड कर लिया, पैसिव इनकम हमारी आनी शुरू हो जाएगी। पैसिव इनकम वो इनकम होती है, हम काम करें ना करें पैसा हमारे घर में आना शुरू होता है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको वेल्थ दी थी। तो ये अपॉर्चुनिटी हमको यहां से मिलती है। इसके अंदर मैं आपको छोटी चीज एक और बता देता हूं। हमारी लाइफ एक साल से तीन साल में चेंज हो सकती है अगर पैशनेटली बिल्ड करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर पैसों का कोई लेन देन नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे अंदर सिर्फ पैशन चाहिए। पैशन का मतलब होता है जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो हमारे घर का खर्चा है वो ही हमारी इन्वेस्टमेंट है। अगर सपोज करो आपके घर का खर्चा 2000 है, तो वो 2000 ही आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। समझिए। Yes. इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जिस दुकान से आप रेगुलर सामान खरीद रहे थे वो कोई हमारा रिश्तेदार तो नहीं है। करेक्ट है। सिर्फ हमने अपनी दुकान चेंज करनी है, इस दुकान से इस दुकान में आना है। अगर इस दुकान में आने से वही रेट का माल, और यहां पर जिंदगी बदलती है। करेक्ट है ना। हमने सिर्फ अपनी दुकान चेंज करनी है। ये सिंपल फंडा रहता है डायरेक्ट सेलिंग का, सिर्फ कस्टमर टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। हमने अपनी दुकान चेंज करनी है, लोगों की दुकान चेंज करानी है, लोगों की जिंदगियां बदलनी है। अब ये अपॉर्चुनिटी क्या होती है, ये कंपनी क्या है, मैं आपको इसके बारे में पूरा बताता हूं। कंपनी का नाम है ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर इतनी बड़ी कंपनी है, 7,500 करोड़ की कंपनी है ओके लाइफ केयर। लेकिन एक चीज याद रखना, ओके लाइफ केयर का विजन, हमने जब इस कंपनी का विजन देखा था हमने एक मिनट में डिसाइड कर लिया था। इस कंपनी का विजन एक ही विजन है कि इसका कंपटीशन किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के साथ नहीं है।
इसका सिर्फ कंपटीशन आज तक लूट मची हुई है। जितनी भी कंपनियां मार्केट में आई सब ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लूट मचा के रखी थी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो सिंपल फंडा रहता है कस्टमर टू मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैन्युफैक्चरिंग से जब जोड़ रहे हैं कस्टमर को तो प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए, महंगा होना चाहिए। लेकिन आज तक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट महंगा बेचा जाता था, वो भी किस क्या बोल बोल के, ड्रीम्स और मोटिवेशन के ऊपर। यहाँ पर किसी किस्म के ड्रीम नहीं जगाए जाते, कोई मोटिवेशन नहीं दिया जाता, एकदम क्रिस्टल क्लियर विजन रहता है यहाँ पे। ओके लाइफ केयर, ओके लाइफ केयर ये कंपनी का नाम है, 7,500 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का विजन तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। मैं आपको सिंपल एक ही चीज बोलूंगा, अगर हमारे को प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेट पे मिल रहे हैं, अफोर्डेबल का मतलब सस्ता नहीं होता या चीप नहीं होता, अफोर्डेबल का मतलब होता है कि हर आदमी खरीद सकता, हर गरीब से गरीब आदमी भी उस चीज को खरीद सकता, वो होता है अफोर्डेबल। हर एक की पॉकेट को अलाउ करना प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी हमारे को ओके लाइफ केयर देती है, और वो प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर देती है। ओके लाइफ केयर 2 लाख का जनरेशन प्लान है, याद रखना 2 लाख का जनरेशन प्लान। इसके अंदर हमारे को कई लोग गुमराह करते हैं बाइनरी बोल के, लेकिन बाइनरी नहीं है, टोटली जनरेशन प्लान है, 2 लाख का जनरेशन प्लान है। इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, वर्ल्ड के अंदर इस दुनिया में जो टॉप 30 कंपनियां हैं उसके अंदर 10 कंपनियां 2 लाख जनरेशन प्लान के अंदर है। ओके लाइफ केयर है, ओके लाइफ केयर के अंदर हमारे को 7 तरह की इनकम मिलती है। पहली इनकम हमारे को मिलती है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या मिलता है, 20% टू 40% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। एमआरपी के ऊपर हमारे को 20-40% डिस्काउंट मिलता है। आप कहीं पर भी चले जाओ आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उस ऊपर से हमारे को अपॉर्चुनिटी। फिर एक और इसके अंदर हमारे को ऑफर क्या मिलती है, अगर आप 2500 का सामान 6 महीने खरीदते हो तो 7वें महीने आपको 2500 का सामान फ्री मिलेगा, ये ऑफर भी इसके अंदर है। सेकंड इनकम हमारे को यहां पर मिलती है एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस हमारे को यहां पे 30% मिलता है कंपनी के टर्नओवर से। तीसरी इनकम मिलती है कंसिस्टेंसी 10%। चौथी इनकम हमारे को मिलती है सुपर एक्टिव बोनस 15%। पांचवी इनकम हमारे को मिलती है कार फंड 7.5%। ये पूरी जितने भी परसेंटेज बता रहा हूं ये कंपनी की टर्नओवर पे रहती है। सिक्स हमारे को मिलती है हाउस फंड 5%। और जो सातवीं इनकम है सबसे प्यारी इनकम है, इस इनकम को देख के हजारों लोग ज्वाइन होते जा रहे, ये इनकम होती है फ्लैगशिप बोनस 10%। ये टोटल हमारे को इनकम मिलती है कंपनी के थ्रू 67.5+10%। ये हमारे को इनकम पूरी मिलती है कंपनी की तरफ, रिटेल प्रॉफिट प्लस ये इनकम हमारे को मिलती है। ये इनकम हमारे को कैसे मिलती है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अंदर हमने करना क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल आपने कभी नहीं देखा होगा। यहां पर आप हो, ये 2 लाख का जनरेशन प्लान है, ये टीम ए ये टीम बी। जब आप यहां पर हो आपने ये लाइन क्रिएट करनी है, ये लेग्स क्रिएट करनी है। जब आपकी टीम ए के अंदर 2500 बिजनेस वॉल्यूम और बी टीम में 2500 बिजनेस वॉल्यूम होता है, एक बिजनेस वॉल्यूम होता है 2 रुपए से लेकर 4 रुपए का। जब आपके यहां पर 2500 बिजनेस वॉल्यूम होता है, यहां पर 2500 बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो एक पॉइंट बनता है एक्टिव बोनस का, जिसकी कीमत होती है 250 रुपए से लेकर 300 रुपए। सेकेंड इनकम होती है कंसिस्टेंसी बोनस, ये कंसिस्टेंसी बोनस कब मिलता है, जब आप 2500, मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूं ग्राउंड लेवल का प्लान,
ये 2500 हम 3 महीने मेंटेन करते हैं लगातार कंसिस्टेंसी, मैचिंग 3 महीने तक मेंटेन कर लेंगे तो कंसिस्टेंसी बोनस स्टार्ट होता है जिसकी कीमत होती है 150 रुपए से लेकर 200 रुपया। थर्ड इनकम हमारे को मिलती है सुपर एक्टिव बोनस। सुपर एक्टिव बोनस कब मिलता है? जब टीम ए और टीम बी के अंदर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो सुपर एक्टिव मिलता है जिसकी कीमत होती है 4,000 से लेकर 4,500 रुपया। एक चीज याद रखना, जब 50,000 का सुपर एक्टिव हो तो डायरेक्ट आपके ऊपर यहाँ पे 20 पॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि 2500 में 1 पॉइंट था तो 20 × 300 6,000 होता। यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपकी बढ़ जाती है, 20 × 200 4,000 हो गया। आप यहीं पे एग्जांपल लगा लो, 6,000 4,000 4,000 अप्रोक्सीमेटली 14,000 पे आपके को आना शुरू हो जाएगा। चौथी इनकम होती है कार फंड। कार फंड कब मिलती है? जब आपकी टीम ए और टीम बी के अंदर 50,000 रुपए आपने 3 महीने मेंटेन कर लिया तो कार फंड आपको आनी शुरू हो जाएगी, जिसकी 1 पॉइंट की कीमत होती है 3,000 से 3,500 रुपए। याद रखना ये जो अमाउंट हम बोल रहे हैं ना, 4,000 से 4,500 150 से 200, ये ऊपर नीचे होता है कंपनी के टर्नओवर के हिसाब से, पॉइंट वैल्यू के हिसाब से। ओके, कार फंड आपको मिलना शुरू होता है 50,000 50,000 आपने 3 महीने मेंटेन कर लिया। पांचवी इनकम होती है हाउस फंड, ये भी आपने 3 महीने मेंटेन और कर लिया। एक चीज याद रखना, सबसे बड़ी बेनिफिट की बात, अगर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा लेकिन हमने अगर इसी चीज को मेंटेन करके रख लिया तो भी हमारी इनकम रेगुलर बढ़ती रहती है। 50,000 50,000 तो आपने 3 महीने और मेंटेन कर लिया, आपका हाउस फंड का खाता भी खुल जाता है जो 2,500 से लेकर 3,000 है। या तो याद रखना 50,000 50,000 होते ही सुपर एक्टिव बोनस आता, 3 महीने मेंटेन कर लिया कार फंड भी खुल जाता, 3 महीने और मेंटेन करके 50,000 50,000 कोई बढ़ने का परवाह नहीं, इसी को मेंटेन कर लो, हाउस फंड भी खाता खुल जाता। 6 महीने के अंदर कंपनी की पूरी इनकम मिलती है, लेकिन पिछली कंपनियों के अंदर तुम 10 साल में लगे रहो तो भी पूरी इनकम नहीं मिलेगी। yes. हाउस फंड 6 महीने में मिलता। अब मैंने आपको बताई थी सबसे प्यारी इनकम फ्लैगशिप बोनस। फ्लैगशिप बोनस क्या होता है याद रखना, नेटवर्किंग के अंदर हमारे को कितने डेप्थ के अंदर लीडर्स मिलेंगे हमारे को नहीं मालूम, लेकिन एक चीज याद रखना, ये फ्लैगशिप बोनस में आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर देना है। फ्लैगशिप बोनस होता है, आप यहां पे हो, आपने ये ज्वाइनिंग करनी शुरू कर दी, करेक्ट है ना। एक चीज याद रखना, आपने जिसको भी स्पॉन्सर किया, जिसको भी आपने ज्वाइन किया है, वो जो भी पैसा कमाएगा उसका डायरेक्ट 10% आपको मिलेगा। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे सेकंड वाला आदमी था, ये सेकंड वाला आदमी अगर 10,000 रुपया कमा रहा, आपके खाते में 1,000 रुपया आएगा, इसको इसकी इनकम पूरी मिलेगी, लेकिन इसका फ्लैगशिप 10% डायरेक्ट आपको 1,000 रुपया मिलेगा। अगर ये वाला आदमी 25,000 रुपया कमा रहा महीने का, इसका 2,500 रुपया आपके खाते में भी जुड़ जाएगा, समझिए ये फ्लैगशिप बोनस है। तो ये सिंपल प्लान और इजी प्लान, 100% हर आदमी इसको डुप्लीकेट कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस के साथ आप करिए, पूरी टीम आपके साथ है, हैदराबाद से आपको जो सपोर्ट चाहिए होगी पूरी सपोर्ट आपको हैदराबाद से मिलेगी। टीम महेश सिंह हैदराबाद की बहुत अच्छे लीडर है, आपकी हेल्प करेंगे। अगर कॉन्टेक्ट करना है आप मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी उसमें मिल जाएगा आपको। तो सिंपल प्लान है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो एक चीज याद रख लेना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, पूरी इंडिया घूम लो, अगर कहीं पर भी आपको किसी कंपनी के अंदर ओके लाइफ की क्वालिटी के साथ ओके लाइफ का प्राइस मिलेगा तो मेरे को बोलना, मैं चैलेंज करता हूं ऊपर आपको कि ओके लाइफ केयर में इस टाइम धूम धमाल क्यों मचाई है, कुछ तो कारण होगा उसके अंदर। yes. इसलिए जानने की कोशिश करो, अपना माइंड को ओपन करो, किसी की बातों में मत आओ, क्योंकि तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो, समझदार हो, इसलिए अपना माइंड ओपन करो, 100% प्लान को देखो, प्लान को समझो। आज तक आपको पैसा क्यों नहीं आ रहा, ये बात मैं बोल रहा हूं प्रीवियस कंपनी के लोगों को, तो याद रखो आपको पैसा नहीं आ रहा, लेकिन अपलाइन की बातों में मत आओ, मेरे से मिलो, आपको मैं एक एक चीज का खुलासा करूंगा कि आपको दो दो साल एक एक साल तीन तीन साल हो गया आपको पैसा क्यों नहीं आ रहा, मैं उसको आपको प्रूफ करके बताऊंगा। और ओके लाइफ केयर
आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। 100% ओपन माइंड होकर सुनो उस प्लान को, अपॉर्चुनिटी को देखो, प्रोडक्ट्स को देखो, प्रोडक्ट्स के प्राइस को देखो, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देखो, आप परेशान हो जाओगे। तो मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं कि ओपन माइंड होकर सुनो, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बैक टू द होस्ट।